हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल बी टॉपर में। सो फ्रेंड, जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल और टाइटल तो रीड कर ही लिया होगा दोस्तों, ये बिहार बीएड स्पॉट एडमिशन को लेकर ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी ने बिल्कुल स्पष्टीकरण दे दिया है। कंफर्म हो चुका है कि स्पॉट एडमिशन होगा या नहीं होगा, बिल्कुल ऑफिशियल नोटिस वेबसाइट पर जारी हो चुका है। दोस्तों, आप सभी को पता है कि जितने भी स्टूडेंट्स को किसी लिस्ट में कॉलेज अलॉट हुआ था, उनको सेंट्रलाइज काउंसलिंग में मौका नहीं मिला था बैठने के लिए, और उनकी आखिरी उम्मीद अब स्पॉट एडमिशन था, स्पॉट राउंड था। इसके साथ साथ ऐसे भी स्टूडेंट जिनको कोई भी कॉलेज किसी भी लिस्ट में नहीं मिला था, वह भी स्पॉट एडमिशन का ही वेट कर रहे थे। बट अगर आपको कोई कॉलेज नहीं मिला था, उनके लिए तो यहाँ पर इतनी बुरी खबर नहीं है, अच्छी खबर है, मिल जाएगा कॉलेज। लेकिन जिनको किसी लिस्ट में कॉलेज मिला था, आवंटित हुआ था, उनको सिर्फ और सिर्फ एकमात्र ऑप्शन था स्पॉट एडमिशन, क्योंकि उनको सेंट्रलाइज काउंसलिंग में मौका ही नहीं दिया गया। बट जिनको कोई कॉलेज नहीं अलॉट हुआ था, एटलीस्ट उनको सेंट्रलाइज काउंसलिंग में मौका दिया जा रहा है, दिया भी गया था। तो पूरी जानकारी इस वीडियो में स्पष्ट हो जाएगी। ऑफिशियल तौर पर सुबह मैंने खबर दिया था न्यूज़पेपर के माध्यम से, अभी ऑफिशियल वेबसाइट पर ले चलकर आपको पूरी जानकारी स्पष्टीकरण दूंगा कि स्पॉट एडमिशन होगा या फिर नहीं होगा, क्या नोटिस आया है, क्या बताया गया है ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी से, पूरी जानकारी इस वीडियो में मिलेगी। सभी लोग इस वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर कर देना, ताकि अदर स्टूडेंट को भी पता चल जाए, और चैनल पर अगर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लेना, अगर आप इसी सत्र में एडमिशन के लिए इच्छुक हो तो हमारे चैनल से जुड़ जाइए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और इसके साथ साथ दोस्तों, आप लोग मुझे अब इंस्टाग्राम पे जरूर से जरूर फॉलो कर लो, क्योंकि अब अगर आप अपडेटेड नहीं रहोगे तो आप चूक जाओगे। ठीक है, बिल्कुल जिनके नंबर कम है वह भी इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर लें। अब मैं आपको गारंटी के तौर पर, अगर आपको किसी लिस्ट में कॉलेज नहीं मिला था, अब मैं दावे के साथ कहता हूं, आप मुझे इंस्टाग्राम पे अपना मार्क्स बताओ कि सर मेरे 45 नंबर है, मेरे 50 नंबर है, मुझे काउंसलिंग में भाग लिया था, कोई कॉलेज किसी लिस्ट में नहीं आया था। मैं अब आपको कंफर्म बताऊंगा, कम नंबर वालों को भी बिल्कुल ऑफिशियल तौर पे कॉलेज अलॉट हो जाएगा। बस आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करके मैसेज मुझे करो, अपना मार्क्स बताओ कि सर मेरे इतने नंबर है, क्या चांस है मुझे एडमिशन मिलने का, कोई कॉलेज मिलने का। तो भैया सभी लोग जुड़ जाओ। इसके साथ साथ ऐसे स्टूडेंट जिनको किसी राउंड में किसी लिस्ट में कॉलेज आवंटित हुआ था, बस सेंट्रलाइज काउंसलिंग में मौका नहीं दिया गया भाग लेने का, ऐसे छात्र स्पॉट एडमिशन के लिए जो इंटरेस्टेड, मैंने सुबह बताया था कि जो 1800 सीटें टोटल बची हुई है, इसमें से भी सीटें बचेगी लगभग 500 के करीब करीब, अभी भी उम्मीद रहेगी। और ये इक्का दुक्का कुछ कुछ कॉलेज में, किसी में एक, किसी में दो ऐसे सीटें बची रहेंगी, और बच्चे इससे ध्यान हटा देंगे, तो बची हुई सीटों पर जब आपको पता चल जाएगा कहां पर कॉलेज सीट खाली है, तो ही तो आप जा सकते हो। उसके लिए क्या करना है, मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करके ये ग्रुप सब लोग ज्वाइन कर लो। ठीक है, इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लो और ये ग्रुप ज्वाइन कर लो। जैसे ही ये कंप्लीट हो जाता है आवंटन प्रक्रिया, कहां कहां सीटें बची है, एक एक दो दो चार चार सीटें हर कॉलेज में बच जाता है, वो मैं आपको यहां पर इस ग्रुप में बता दूंगा। आप भीड़ कम हो जाएगी, क्योंकि सबको पता चल गया कि स्पॉट नहीं हो रहा है, ज्यादा ज्यादा काउंसलिंग में भर जाएगा सीट, स्पॉट बहुत कम बच रहा है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं सीटें बच जाती है थोड़ा थोड़ा। ठीक है, तो उसकी इन्फॉर्मेशन आपको दे दूंगा, तो आपको पता चल जाएगा कहां सीट खाली, तो वहां जाकर आप कॉलेज में एडमिशन ले सकते हो। थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा पैसा लगेगा, पहले एप्लीकेशन दे दोगे तो आप उस कैसे पता चलेगा कहां पर सीट खाली है, वो मैं बताऊंगा आपको। अपने इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो कर लेना और मुझे मेरे ग्रुप को ज्वाइन कर लेना, इस ग्रुप को ज्वाइन कर लो, यहीं पर मैं लिस्ट भेजूंगा जहां जहां बच जाएगा सीटें। ठीक है, तो ये काम आप सभी लोग कर लो कि मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करके मुझसे मैसेज पर बात कर लो और ये वाला ग्रुप ज्वाइन कर लो। ठीक है, इसके साथ साथ दोस्तों, जिनको कोई कॉलेज आवंटित नहीं हुआ, फेल हो गए थे एंट्रेंस एग्जाम में, साल नहीं बर्बाद होने देना चाहते हैं, वो लोग हरियाणा में एडमिशन ले सकते हो, बिल्कुल जेन्युइन है, एनसीटी अप्रूव्ड कॉलेज है, और आसान किस्तों में फीस भी जमा हो जाएगा आपका, निशुल्क पाठ सामग्री भी प्रोवाइड किया जाता है। अधिक जानकारी के लिए आज ही इस नंबर पर आप कॉल करके बात कर सकते हो, पूरी जानकारी इस नंबर से ले सकते हो अगर आप इंटरेस्टेड हो हरियाणा में एडमिशन लेने के लिए। ठीक है, तो चलिए भैया चलता हूं ऑफिशियल वेबसाइट पर और आपको दिखाता हूं नोटिस। ठीक है, ये आ गया हूं मैं ललित नारायण एलएनएमयू के ऑफिशियल वेबसाइट पर, सीईटी, ये देखिए बिहार सीईटी बीएड सर्च करोगे ये ऑफिशियल वेबसाइट आ जाएगी दोस्तों। अभी अभी इस पर ऑफिशियल तौर पर अनाउंस किया गया है, नोटिस जारी किया गया है, यहां पर आप लोग देख सकते हो, ये एक इंपॉर्टेंट डेट भी आ चुका है, यहां पर आप लोग को देखने को मिल रहा होगा कि इंपॉर्टेंट डेट क्या है, तो ये इंपॉर्टेंट डेट भी अपडेट आपको देखने को मिलेगा। इसके साथ साथ आपको नोटिस में सीधा आपको दिखाता हूं। ठीक है, ये रहा नोटिस, इसके नीचे आप जाओगे तो ये नोटिफिकेशन रिगार्डिंग स्पेशल सेंट्रलाइज काउंसलिंग, ये आप डाउनलोड करोगे तो यहां पर देखिए, अभी आज की ही डेट में, आज कितने तारीख है, आज आप सभी को बताया गांधी जयंती है, 2 तारीख है, छुट्टी होने के बावजूद भी यह नोटिस जारी किया गया है, आप लोग देख सकते हो 2 अक्टूबर 2024 आज का ही नोटिस है दोस्तों, ये ऑफिशियल वेबसाइट से जाकर डाउनलोड कर सकते हो। और इस नोटिस से स्पष्ट हो चुका है भैया कि जो खबर निकल के आई थी न्यूज़पेपर के माध्यम से कि स्पॉट एडमिशन नहीं होगा, बिल्कुल स्पष्ट, बिल्कुल सही बात साबित हुई, लेकिन एक नई चीज और निकल के आई है, आप लोग देख सकते हो यहां पर, यहां पर क्या बताया गया है कि
ये जो सेंट्रलाइज काउंसलिंग है ये कंटिन्यू रहेगा। जो मैंने सुबह समझाया था आपको कि 21 से 22 तारीख के बीच में जिन लोगों ने सेंट्रलाइज काउंसलिंग में कॉलेज चूज किया था, 3 कॉलेज, ठीक है, और ऊपर से कट ऑफ बनाकर कॉलेज आवंटित किए गए थे, अब जो नीचे बच्चे बचे थे जिनके नंबर कम थे, जिनको कॉलेज नहीं आवंटित हो पाया था, उनको कट ऑफ घटाकर 2 राउंड और जारी किया जाएगा सेंट्रलाइज काउंसलिंग का, यानी कि सेकेंड और थर्ड 2 राउंड अभी आएगा, 2 राउंड लिस्ट, यानी कि पूरी तरीके से कोशिश कर रहा है लेतना है मिथिला यूनिवर्सिटी कि एक भी सीट बचे ना, सारा का सारा सेंट्रलाइज काउंसलिंग में ऑफिशियल तौर पे कॉलेज आवंटित कर दिया है बच्चों को। वो चाहता ही नहीं कि कुछ सीटें बचे और हम स्पॉट एडमिशन को हम मजबूर हो जाए देने के लिए, ठीक है। तो यहां पर देख सकते हैं स्पेशल सेंट्रलाइज काउंसलिंग जो है वो सेकेंड राउंड कितने तारीख को बताया गया, डिस्प्ले ऑफ अलॉटेड कॉलेज डिपार्टमेंट ऑन पोर्टल बाय लॉगिन क्रेडेंशियल, यानी कि 3 तारीख को जिन लोगों को सेंट्रलाइज काउंसलिंग में जिन लोगों ने भाग लिया था, कोई कॉलेज आवंटित नहीं हुआ था, और तो आप 3 तारीख को फिर से आप लोग चेक कर सकते हो, सेकंड लिस्ट जारी होगी सेंट्रलाइज काउंसलिंग की, कट ऑफ के नीचे घटाकर कुछ भी करना नहीं है, आपने सेंट्रलाइज काउंसलिंग में 3 कॉलेज चूज किए थे बस वही ठीक है, उसी के द्वारा आपका सेंट्रलाइज काउंसलिंग में फिर से सेकंड राउंड में कट ऑफ घटाकर कॉलेज आवंटित किया जाएगा 3 तारीख को सेकंड लिस्ट आएगी, जिसमें अगर आपको कॉलेज मिल गया तो आप पेमेंट ऑफ पार्ट 3,000 रुपीज 3 तारीख से लेकर 5 अक्टूबर तक सेकंड राउंड में जिनका नाम आ जाएगा वो 3 से 5 तारीख के बीच में 3,000 रुपए पेमेंट करेंगे, और पेपर वेरिफिकेशन के लिए वो जिस प्लेस पे मेंशन किया जाएगा उनका, उस यूनिवर्सिटी में जाकर आप 4 तारीख से लेकर 6 अक्टूबर तक पेपर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा सकते हो, डीडी बनवाकर बाकी फीस सबमिट कर सकते हो, ये सेकंड राउंड वालों के लिए। उसके बाद इन्होंने इस लिस्ट में थर्ड राउंड भी शामिल कर दिया है, जी हाँ थर्ड राउंड भी शामिल कर दिया, जैसे मैंने आपको बताया था नहीं था कि भैया 1800 सीटें जो बची हैं इस पे अगर ये सेकंड राउंड लाते हैं, सेकंड लिस्ट जारी करते हैं तो भी 500 सीटें मैंने बताया था 500 सीटें मैंने बताया था, और ये भनक कहीं ना कहीं LNMU को भी लग गई है कि हम सेकंड लिस्ट जारी करेंगे तो भी कहीं ना कहीं कुछ सीटें बच जाएंगी, 400-500 सीटें, ठीक है। इसीलिए इन्होंने क्या किया कि भाई तब इनको स्पॉट देना पड़ता, इसीलिए इन्होंने क्या किया कि थर्ड राउंड भी पहले से ही डिसाइड कर दिया, इन्होंने थर्ड राउंड पहले से ही डिसाइड कर दिया कि हम तीसरी लिस्ट भी जारी करेंगे। अब जब ये 500 बचेगा तो इसी पे तीसरी राउंड लेकर आएंगे ये, और तीसरी राउंड लाने के बाद भी कुछ सीटें 100-150 सीटें बचेंगी अभी भी, मैं कह रहा हूं। और वो कहां कहां बची कि कुछ किसी कॉलेज में 1 बच जाएगा, किसी कॉलेज में 2 सीट बच जाएगी, किसी में 3 सीट बच जाएगी, इक्का दुक्का कॉलेज में कहीं ना कहीं छूटा रहेगा, बचे रहेगा सीट, उसकी इंफॉर्मेशन मैं पता लगाकर आप सभी को अपने इंस्टाग्राम पर बताऊंगा, ठीक है। स्पॉट एडमिशन वहां आप करवा सकते हो, क्योंकि जब 150 सीटें बचेगी तो आप थर्ड लिस्ट के बाद ये नहीं लाएंगे, इसलिए इन्होंने एक ही नोटिस में दोनों राउंड और एक्स्ट्रा मेंशन कर दिया है कि फर्स्ट लिस्ट आ चुका है, सेकंड लिस्ट आएगी और थर्ड लिस्ट भी आएगी। थर्ड लिस्ट जिसका सेकंड लिस्ट में नहीं आएगा ना, वो लोग थर्ड लिस्ट का वेट करेंगे, 7 तारीख को थर्ड लिस्ट भी जारी की जाएगी, ठीक है। इसमें कोई नया पार्टिसिपेंट नहीं होगा, जिन बच्चों ने 21 से 22 के बीच में कॉलेज चूज किया था उन्हीं को कटा घटा घटा कर सेकंड और थर्ड लिस्ट में अलॉट कर दिया जाएगा कॉलेज, ठीक है। तो अगर सेकंड लिस्ट में भी नहीं आता है, मैं आशा करता हूं कि आपका सेकंड लिस्ट में आ जाए ना, बट नहीं आएगा तो थर्ड लिस्ट भी आएगा 7 तारीख को, ठीक है। और उसके बाद में 7 से 9 तारीख तक थर्ड लिस्ट में जिनको कॉलेज आवंटित होगा वो 7 से 9 के बीच में 3,000 रुपए एडवांस पेमेंट करेंगे, और जहां पेपर वेरिफिकेशन के बुलाया जाएगा वहां से 8 से 9 तारीख के बीच में डीडी बनवाकर पेपर वेरिफिकेशन करा लेंगे। तो ये जो 500 की उम्मीद मैंने बताई थी ना कि 1800 सीटों पे जो आवंटन होगा सेकंड लिस्ट में, उसमें भी 400 से 500 सीट बचेगी, ये बिल्कुल मैंने सही अंदाजा था। यही चीज जो LNMU के अधिकारी हैं उनको भी कहीं ना कहीं ये चीज अंदाजा लगा कि हम सेकंड लिस्ट तो जारी करेंगे 1800 सीटों पर, फिर भी सीटें कुछ बचेंगी, तो उन्होंने मीटिंग किया और क्या किया कि थर्ड लिस्ट भी इसी वक्त मेंशन कर दो कि हम एक थर्ड लिस्ट भी जारी कर देंगे सेकंड लिस्ट के बाद में, तो बची हुई सीटों पर आवंटन कर दिया जाएगा। लेकिन फिर भी मैं कहता हूं कि 500 सीटों पर थर्ड लिस्ट लेकर आएंगे तब भी भैया 50 से 100 सीटें बचेगी, लेकिन अब वो पता ही नहीं चलेगा आपको, वो पता ही नहीं चलेगा कहां कहां सीटें बची हैं ना, तो वो मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा अपने इंस्टाग्राम पर, मैंने बताया, ठीक है। इसीलिए मैंने अपना इंस्टाग्राम की आईडी दिया है कि भैया आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लो, ताकि जो भी अपडेट होगी मैं आप सभी को इंस्टा पे बताऊंगा बाद में, जब ये 3 लिस्ट कंप्लीट हो जाएगी तो स्पॉट एडमिशन के लिए जो इक्का दुक्का कुछ कुछ कॉलेज में 1-2 सीटें बची हुई होगी उसकी इन्फॉर्मेशन मैं अपने इस ग्रुप पे दूंगा, और या फिर स्टोरी के माध्यम से लगा दूंगा, या फिर आपको पर्सनली आप अगर मुझे मैसेज करोगे तो भी मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि बेटा यहां पर कॉलेज बचा है भाई, यहां पर ट्राई कर सकते हो। तो मुझे इंस्टाग्राम पर ये यूजर आईडी सर्च कर लो, फॉलो करके रखो मुझे, ये वाला ग्रुप भी ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। तो भैया ये काम किया गया है इनके तरफ से, बिल्कुल इनको भी कहीं ना कहीं अंदाजा लग गया था कि हम सेकंड लिस्ट ला रहे हैं, क्या पता फिर सीटें बच जाएं 400-500 सीटें, तो फिर हमें एक मीटिंग करनी पड़ेगी, फिर हम परेशान होंगे कि स्पॉट करें कि हम सेंट्रलाइज करें। तो इन्होंने इसी वक्त इन्होंने सेकंड और थर्ड लिस्ट मेंशन कर दिया है कि हम सेकंड लिस्ट आएगी 3 तारीख को, यानी कल
पता चलेगा थर्ड लिस्ट में किस किस को कॉलेज आवंटित हुआ। थर्ड लिस्ट की प्रक्रिया जो है 6 तारीख को कंप्लीट होगी, उसके बाद फिर जो सीटें बचेंगी उस पर 7 तारीख को फिर एक लिस्ट आएगी। अगर थर्ड सेकंड में नहीं हुआ तो आपका थर्ड में हो जाएगा। लेकिन ये उन्हीं लोगों के लिए उम्मीद है जिन लोगों ने सेंट्रलाइज काउंसिलिंग में भाग लिया था। कौन से लोगों ने लिया था? जिनको कोई किसी लिस्ट में कॉलेज आवंटित नहीं हुआ था। लेकिन जिनको कोई कॉलेज आवंटित हुआ था उनके लिए अभी भी वही स्थिति बनी हुई है, साल बर्बाद होने का, ठीक है। और इसमें मैं भी कुछ नहीं कर सकता हूँ भाई, जब लिंद नया मिथिला यूनिवर्सिटी आप लोगों के लिए सोच ही नहीं रहा है, उसने पहले से ही अपना दिमाग ये कर रखा है कि हम नहीं कराएंगे, नहीं देंगे उनको मौका, ना ही स्पॉट एडमिशन का हम कराना है, वो भी इड़ा हुआ है। तो अब क्या कर सकते हैं भाई, थर्ड लिस्ट तक कंप्लीट होने दीजिए, उसके बाद जैसे ही पता चलेगा कहाँ कहाँ सीटें बची मैं आप सभी को इंस्टाग्राम पर बताऊंगा। दूसरी चीज़ एक मैं आपको ये भी सजेस्ट करूंगा मेरे दोस्त मेरे भाई कि अब ज़्यादा परेशान न हो, अब आप लोग 2025 की तैयारी शुरू कर दो, ठीक है। नंबर बहुत कम है, मैं यही कहूंगा कि आप 2025 बीएड एंट्रेंस की तैयारी शुरू करो। दिसंबर में इसका फॉर्म आ जाएगा, ठीक है, और इसकी परीक्षा जो होती है अप्रैल माह में इसकी परीक्षा हो जाएगी, ठीक है। और इतना अच्छा तैयारी करो कि आपको फर्स्ट लिस्ट में ही गवर्नमेंट सीट मिले इस बार, ठीक है। गवर्नमेंट सीट की दावा करता हूं, बीएड प्रवेश परीक्षा 2025 की तैयारी करिए आप लोग। चैनल पर हमारी तैयारी भी शुरू होने वाली है, मात्र ₹199 में कंप्लीट सिलेबस का नोट्स आपको मिल जाएगा, 10 साल का प्रीवियस पेपर मिल जाएगा, डिटेल सॉल्यूशन के साथ मिलेगा, टॉपिक वाइज क्वेश्चन भी मिलेगा, थ्योरी भी मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। नोट्स को लेने के लिए क्या करना है, इस नंबर पे व्हाट्सएप पर मैसेज करना है। भाई मेरे बहुत कम नंबर है तो आप स्पॉट एडमिशन की आशा छोड़ दो, फिर भी कुछ सीटें बचेंगे वो बताऊंगा, बट सबको तो नहीं मिल पाएगा ना एडमिशन। मतलब हजारों की संख्या में बच्चे स्पॉट एडमिशन के लिए वेट कर रहे हैं और 150 सीटें कहीं बचेगी, मेरा तो जिम्मेदारी, मैं सबको बता दूंगा, बट सबको नहीं मिल पाएगा ना एडमिशन। तो इसलिए अभी से दे बना लो कि अब मैं 2025 में सरकारी सीट लेकर रहूंगा, अच्छा अंक लेकर आऊंगा, अभी से तैयारी करूंगा। तो ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, इस पर मैसेज करके नोट्स को परचेज कर लो और अभी से पढ़ना शुरू कर दो, ताकि ये जो गलती हुई है अगली बार गलती ना हो। 2-4 महीने की बात है, आपका 2025 में एडमिशन करा दूंगा गवर्नमेंट सीट पे, इतनी अच्छी तैयारी कराऊंगा। इस नंबर पे व्हाट्सएप पर मैसेज करके नोट्स को परचेज करें और आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लीजिए, ठीक है। जो भी अपडेट आएगी आपको बताया जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो के अंत तक देखने के लिए, आपकी क्या राय है कमेंट में हमें जरूर बताइएगा।